झारखंड की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। एक तरफ जहां यूपीए की बैठक हो रही है, वहां जेएमएम के कार्यकर्ता रांची पहुंच रहे हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री को कल बुलाया है, तो मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पूर्व मंत्रियों, 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, हमसे पूछते हैं सरोज जी क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। नहीं, घटनाक्रम क्या है, मुख्यमंत्री ने आप पिछले दिनों अपने नाम से जो लीज लिए थे उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को कंप्लेन किया। अब राज्यपाल महोदय चुनाव आयोग में उसको भेजे, चुनाव आयोग में ट्रायल चला, सुनवाई किया और उसके बाद कुछ वहाँ से मंतव्य आया है। अब मंतव्य आया है और महामहिम को उस पर निर्णय लेना है। मंतव्य क्या है ये मुझे पता भी नहीं, किसी को नहीं पता है, लेकिन मंतव्य आया है इतना आप लोग से भी पता चला है। और जो हमने कंप्लेन किया है, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने जो कंप्लेन किया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी मंतव्य चुनाव आयोग का आया है उसको महामहिम सार्वजनिक करे, जल्द सार्वजनिक करे और जो भी है वो सामने आए, इसके मांग हम भी करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है मुख्यमंत्री, क्या दूसरा एक घटना हुई है जो ईडी जो है भ्रष्टाचार में उनको समन किया है, जो खनन का हजारों करोड़ का लगभग अवैध माइनिंग हुआ है साहेबगंज में, उसको लेकर के भी ईडी समन किया। उसमें कई लोग जेल में हैं, उनके प्रतिनिधि जेल में हैं, उनके चहेते जेल में हैं, उनका एक और परिचित अमित अग्रवाल जेल में है। ईडी ने सब पे चार्जशीट भी किया है। अब उसमें ईडी मुख्यमंत्री को भी समन किया है, अब पूछताछ के लिए कल बुलाया है, एक डेट में नहीं गए, उस समय मुख्यमंत्री कहे कि मुझे समय नहीं है, तो अभी बुलाया है, कल उनको जाना है। तो उसके बाद क्या हालचाल, इतनी घटना हम लोग जान रहे हैं, उसके अलावा क्या हालचाल है वो तो मुख्यमंत्री जाने, कब जेट बुक कर रहे हैं, कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी विधानसभा बुला रहे हैं, जो काम संकल्प से हो जाना है, 32 का खतियान लाना है तो संकल्प से हो जाता, पिछड़ा आरक्षण संकल्प से ही हो जाता, कैबिनेट के संकल्प से, तो विधानसभा बुला रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे। उन्होंने इस बीच 5 आपके पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जो है एसीबी जांच की अनुमति दे दी है, इसको आप इस किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, पहले तो हम किसी भी जांच का, कोई भी अगर किसी की जांच हो तो उसके हम विरोधी नहीं है, जांच हो, अगर मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मंत्रियों पर जांच किया है तो जांच होनी चाहिए, उनको अगर लगता है तो जांच, जो सांच को आज किया, जो अगर दोषी नहीं होंगे तो मुक्त होंगे, इसलिए जांच का हम विरोधी नहीं है। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जिस आधार पर उनको, उस पर उन लोगों पर जांच का आदेश दिया है, उसका आधार बनाया है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति इन्होंने दाखिल किया है चुनाव आयोग में कंप्लेन, पीआईएल के आधार पर, कोई पीआईएल किया था या कोई केस किया है उसके आधार पर, पीआईएल के आधार पर जी, मुख्यमंत्री अपने पीआईएल, जब उन पर आय से अधिक संपत्ति की जांच की बात आती है तो दोनों क्राइटेरिया उन पर भी लागू होता है। अगर इनकी संपत्ति 200 गुना कह रहे हैं कि बढ़ा है जिस तरह का, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, तो मुख्यमंत्री का तो हजारों गुना बढ़ा है और उन पर भी पीआईएल हुआ है, तो अपने और पीआईएल पर और अपने संपत्ति बढ़ने पर वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े वकील महंगे खड़ा किए और सरकार उसको को पैसा दी, उसके लिए वो दिल्ली तक चले गए कि जांच नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जांच करवा रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया तो मुख्यमंत्री को अपने पर भी लागू करना चाहिए कि पीआईएल भी हुआ है और उनकी भी संपत्ति जो है सो कई गुना बढ़ी है, और उन्होंने तो कई का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, 108 प्रॉपर्टी का बात आपने देखा होगा, पिछले दिन हमारे विधायक दल के नेता ने कहा कि 108 संपत्ति उनके पास है, प्रॉपर्टी है 33 का उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो ये दोनों फिट है, तो उन पर सबसे पहले बनता है केस, बनता है फिट केस है, तो पहले अपने जांच करा लेते, उनको भी जांच से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन अपने जांच से भाग रहे हैं, इसका मतलब कि उनको पता है कि हमने गलत किया, अब जांच होगा तो हम कार्रवाई हम पर होगी, और इन लोगों पर उन्होंने बदले की भावना से किया है कि भाई देखिए हम अकेले नहीं है और भी लोग हैं, तो अब तो सामने आ जाएगा जांच, सांच को आज क्या जांच के थोड़े हम विरोधी हैं, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल जरूर है। क्या माना जाए कि झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है? अब ये तो हम भविष्यवक्ता नहीं है, आप लोग ज्यादा अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, उसके तो हम, मुझे कोई उसकी जानकारी ना कुछ मुझे आइडिया है उसका क्या होने वाला है, लेकिन जो सामने चीजें हैं वही है दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरोज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बदले की कार्रवाई के तहत
जो 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की अनुमति दी है और उन्हीं सारी चीजों में वो खुद भी शामिल है। निलय सिंह, लाइव लगातार रांची।